नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर शंकिला मित्तल है, एमबीबीएस एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से, और मैं दिल्ली में स्थित एक स्किन केयर स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे फंगल इन्फेक्शन यानी दांत काज खुजली और रिंगवर्म के बारे में। आजकल बहुत से पेशेंट्स आते हैं जिन्हें ये फंगल इन्फेक्शन है और वो इससे बहुत परेशान है। बार बार इलाज के बाद भी ये इन्फेक्शन पूरी तरह ठीक नहीं हो पाता, तो आज जानते हैं कि ये क्यों होता है और इसे कैसे बचें। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि दांत खाज क्या होता है। दांत खाज खुजली एक फंगल इन्फेक्शन है जो ऐसे फंगस की वजह से होता है जो चमड़ी को डैमेज करके हमारी स्किन से न्यूट्रिशन पाता है। इसलिए ये ऐसी जगहों पर होता है जहां पसीना ज्यादा आता है या स्किन फोल्ड होती है, जैसे कि बगलों में, जांग में, हमारी थाइस के बीच में, बटक्स के ऊपर, ब्रेस्ट के नीचे, या जहां टाइट कपड़े पहने हो। इसके अलावा ये सिर में, कान पे, चेहरे पर, उंगलियों के बीच में, नाखूनों के अंदर या बॉडी में कहीं पर भी हो सकता है। अब हम जानते हैं कि ये फंगल इन्फेक्शन दिखता कैसा है और आप इसे कैसे पहचान सकते हैं। दांत खाज में गोल गोल या रिंग जैसे निशान आने लगते हैं जो मार्जिन से फैलता रहता है। इसके मार्जिन पे आपको लाल लाल दाने या पस वाले दाने भी दिख सकते हैं, और खुजाने के कारण कभी कभी ये काला भी पड़ जाता है। इसमें बहुत ज्यादा खुजली होती है, कभी कभी खुजली इतना परेशान करती है कि आप अपना काम भी ठीक से नहीं कर पाते और रात की आपकी नींद भी खराब करता है। अब हम जानते हैं कि फंगल इन्फेक्शन का क्या कारण है और आजकल ये इतना कॉमन क्यों हो गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है ओवरक्राउडिंग। आजकल बहुत भीड़ बढ़ गई है और छोटी सी जगह पे बहुत सारे लोग रहते हैं, जिस वजह से इन्फेक्शन एक से दूसरे को आसानी से फैलता है। दूसरा कारण है ह्यूमिडिटी या गर्मी का मौसम। बहुत ज्यादा गर्मी या पसीने की वजह से भी फंगल इन्फेक्शन ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा अगर आप सही तरीके से इलाज नहीं करते, खुद से कोई भी क्रीम लगा लेते हैं या केमिस्ट से लेकर स्टेरॉइड ट्यूब्स का इस्तेमाल करते हैं, तो एक बार तो थोड़ी राहत मिल सकती है, पर ये इन्फेक्शन को और ज्यादा बढ़ाता है और फैलाने का काम करता है। अगर आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेकर बीच में कोर्स छोड़ देते हैं तो कभी कभी थोड़ी राहत तो मिलती है पर ये इन्फेक्शन जड़ से खत्म नहीं हो पाता। इसलिए जरूरी है कि आप एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से कंप्लीट ट्रीटमेंट कोर्स लें, क्योंकि ट्रीटमेंट के 8 से 10 दिन में खुजली में आराम तो आ जाता है, पर इन्फेक्शन को जड़ से खत्म करने में 3 हफ्ते से 3 महीने तक लग सकते हैं। अब हम जानते हैं कि अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है या अगर आप फंगल इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं तो अपने डेली रूटीन में आप क्या प्रिकॉशंस लें। सबसे जरूरी है कि आपको रोज नहाना है। रोज नहाने के साथ साथ आप ध्यान रखें कि नहाने के बाद फोल्ड्स वाली जगह, जैसे कि बगलों को, जांघों को, उंगलियों और पैरों की उंगलियों के बीच में तौलिए से अच्छे से सुखाएं। अपना तौलिया और साबुन अलग रखें और दूसरों के साथ शेयर ना करें। अपना तौलिया रोज धुला हुआ यूज करें और उसे धोकर, धूप में सुखाकर और प्रेस करके ही इस्तेमाल करें। जो भी आप कपड़े पहनते हैं, चाहे वो अंडरगार्मेंट्स हो या ऊपर के कपड़े हो, उन्हें अच्छे से धोकर, धूप में सुखाकर और प्रेस करके ही यूज करें। ध्यान रखें कि कपड़ों को एकदम ड्राई करके पहने और थोड़े गीले गीले कपड़े ना पहने। इसके अलावा टाइट क्लोथ्स अवॉइड करें और कॉटन की लूज क्लोथिंग प्रेफर करें। डेनिम्स एंड टाइट जीन्स अवॉइड करें, क्योंकि जीन्स एंड ऑल से पसीना इकट्ठा हो जाता है और इन्फेक्शन और फैलने लगता है। अगर आपको शुगर है तो बहुत जरूरी है कि आप अपनी शुगर को कंट्रोल करें, क्योंकि शुगर एक तरह से फंगस का खाना होता है और अगर हमें शुगर होता है तो ये फंगस को और बढ़ाने का काम करता है। अपने कपड़े अलग वॉश करवाएं ताकि फंगल इन्फेक्शन एक से दूसरे को ना फैले। ध्यान रखें कि आप अपने नेल्स को छोटा काट के रखें, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन नाखून के नीचे अपना घर बना सकता है जिससे इन्फेक्शन बार बार होने लगता है। कोई भी अगर आपने धागा पहना हो, गले में माला पहना हो, चेन पहना हो, तो इनको उतार दें, क्योंकि इन जगहों पे इन्फेक्शन ज्यादातर अपना घर बना लेता है। अगर आपके नाखून मोटे हो गए हो या उनका रंग बदल रहा हो तो हो सकता है कि आपके नाखून में भी फंगल इन्फेक्शन हो, तो इसलिए जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर को दिखाएं। जब आप फंगल इन्फेक्शन के लिए कोई भी क्रीम इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान रखें कि उसको इन्फेक्शन वाली जगह के 2 सेंटीमीटर बाहर से लगाना शुरू करें और उसे बाहर से अंदर की तरफ लगाएं, ताकि वो इन्फेक्शन को ठीक तरह से ठीक करे। इन सब प्रिकॉशंस के अलावा प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना भी जरूरी है। तो सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट खुद से करने की कोशिश ना करें और केमिस्ट से कोई भी ट्यूब लेकर इलाज ना करें। जो ट्यूब्स केमिस्ट देते हैं उनमें ज्यादातर स्टेरॉइड्स होता है,
जैसे कि फोरडर्म, पेंडर्म, कॉडीडर्म, बेटनोवेट, लोबेट और इस तरह के नाम की बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं, जिन्हें लगाने से एक बार तो हमें आराम आता है पर ये इन्फेक्शन को और ज्यादा बढ़ा देता है। तो इस तरह की ट्यूब्स का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इन सभी क्रीम्स में स्टेरॉइड होता है जो एक बार इन्फेक्शन को दबा देता है पर उसको और फैलाने का काम करता है और हमारी स्किन को भी डैमेज कर देता है, जिस वजह से स्किन वहां से पतली हो जाती है और चमड़ी पे स्ट्रेच मार्क्स आने लगते हैं और इसके बहुत ही भयानक साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ऐसी क्रीम से बचें और इन साइड इफेक्ट से बचें। जरूरी है कि आप एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाकर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें और जब तक डॉक्टर नहीं बोले तब तक क्रीम्स और खाने की दवाइयां ना रोके, ताकि आपका ये इन्फेक्शन का जड़ से इलाज हो सके और आपको इसे पूरी तरह से छुटकारा मिले। मैं आशा करती हूँ कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो और जो भी जानकारी आपको चाहिए थी वो आपको मिली हो। अगर इसके अलावा भी आपका कोई सवाल हो तो आप हमारे सोशल मीडिया लिंक्स पे या नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं और मैं पर्सनली इनका जवाब देने की कोशिश करूंगी। अगर आपको स्किन से रिलेटेड टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।